पिछले एपिसोड में हमने सुना कि चांडाल अनामिका को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाता है, जिसमें मोनिका ने वाणी बनकर उसके प्यार राजकुमार विक्रम को उससे छीन लिया था। वो हर जन्म में ऐसा ही करती आई है। ये सुनकर अनामिका गुस्से से पागल हो जाती है और मोनिका को लेकर पहाड़ी पर आ जाती है। इंस्पेक्टर रजत उसे बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचता है। तभी मोनिका इस कहानी को सुनाते सुनाते अचानक रोने लगती है। आयुष मोनिका इंटीमेट संबंध एक बार फिर बनाते हैं। पड़ोसन उर्मिला ने उनका वीडियो बना लिया है और गांव में वायरल कर दिया है। वाणी आयुष से बहुत नाराज है। गांव वाले और प्रिंसिपल मोनिका को गांव से निकालना चाहते हैं। तभी आयुष वहां पहुंचकर स्थिति संभालता है। मोनिका आयुष के जाने के बाद शीशे पर अपना खून लगाती है। शीशे से अनामिका झांक रही थी। अब आगे आयुष अगली सुबह स्कूल पहुंचता है। वो प्रिंसिपल से बात करता है कि वो मोनिका को लेकर जल्द से जल्द यहां से निकल जाएगा। उसे थोड़े वक्त की मोहलत चाहिए क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। प्रिंसिपल ने उसे इजाजत दे दी। आयुष स्कूल के कॉरिडोर से होता हुआ प्लेग्राउंड में पहुंचता है। बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और प्लेग्राउंड में मोनिका एक बेंच पर बैठी हुई अपने ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे की उदासी देखकर आयुष समझ गया था कि मोनिका गांव से निकाले जाने को लेकर परेशान है। वो धीरे से उसके पास आता है और बेंच पर बैठकर उसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर मोनिका अपनी आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं होगा, गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे, तो मैं अकेली लड़की कहाँ जाऊंगी। आयुष मोनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। पिछली बार तुम्हारी कहानी अधूरी ही रह गई थी। मैं अनामिका के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ था। मोनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आयुष की तरफ देखती है और उसके सीने से चिपक कर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लेती है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी जिसे आयुष नहीं देख पाया था। मोनिका कहानी वहीं से शुरू करती है जहां उसने बंद की थी। चांडाल ने मंत्र जाप बंद कर दिया था और अनामिका बेहोश मोनिका के सीने में खंजर उतारने के लिए तैयार थी। दूर पेड़ के पीछे छिपा हुआ इंस्पेक्टर रजत अंधेरे में अपनी पिस्तौल ढूंढ रहा था। वो देख पा रहा था कि हवा में बनती हुई आकृति पूरी होती जा रही थी। अनामिका खंजर दोनों हाथों में लिए हवा में उठ चुकी थी। उसका एक वार और वो खंजर पत्थर पर बेहोश पड़ी मोनिका के सीने के आर पार हो जाता। लेकिन ठीक उसी समय इंस्पेक्टर के हाथ उसकी पिस्टल लग जाती है। वो हवा में फायर करता हुआ उनकी तरफ दौड़ता है। इंस्पेक्टर चिल्लाकर कहता है, खंजर फेंक दो अनामिका, वरना मैं गोली चला दूंगा। और तू कमीने चांडाल, तूने अगर भागने की कोशिश की तो तेरा भेजा खोलने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। अनामिका ने अचानक खंजर जमीन पर फेंक दिया था। हवा में बनती आकृति गायब हो चुकी थी। चांडाल खंजर की ही तरफ देख रहा था। उसकी मुट्ठी में भभूत थी। इंस्पेक्टर रजत का ध्यान जैसे ही अनामिका की तरफ गया, चांडाल ने जलती हुई आग में भभूत फेंक दी, जिससे एक धुएं का गोला निकला और तेज की आवाज हुई। इस तेज आवाज की वजह से एकाएक रजत का ध्यान भटक गया। चांडाल रजत की तरफ दौड़ा और उसने अपने दोनों मजबूत हाथों से रजत को एक जोर का धक्का दिया। रजत जमीन पर जा गिरा। चांडाल ने दौड़ते हुए जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठाया और बेहोश पड़ी मोनिका के पास जाकर गुस्से में चिल्लाया, अपनी 25 साल की तपस्या मैं ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बनना चाहता हूँ। इस सिद्धि को पाने के लिए मैंने न जाने कितने लोगों की जान अपने हाथों से ली और कितनों को अनामिका से मरवाया। मेरी सिद्धि पूरी होने में बस एक हत्या और बाकी है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। तुझे मैं अपने हाथों से ही मारूंगा मोनिका। इतना कहकर उसने जैसे ही खंजर हवा में उठाया, तभी अचानक पूरा वातावरण एक गोली की आवाज से गूंज उठा था। ये गोली इंस्पेक्टर रजत की रिवॉल्वर से निकली थी। गोली चांडाल की पीठ से होती हुई उसके सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई थी। अगले ही पल चांडाल जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा। अचानक चली इस गोली की आवाज से मोनिका घबरा कर उठ बैठी थी। उसने अपने आप को एक पत्थर पर पाया। वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि तभी अनामिका ने उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया और उसे लेकर पीछे पहाड़ी की तरफ चलने लगी।
मोनिका ने घबराते हुए अनामिका से कहा। दीदी दीदी ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ दो मुझे, हम पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। इस पर अनामिका ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा। पहाड़ी से हम नहीं, सिर्फ तू गिरेगी, क्योंकि मैं तो मर कर भी अपने विक्रम के पास पहुंच जाऊंगी। इंस्पेक्टर रजत समझ गया था कि अनामिका मोनिका को लेकर पहाड़ी से कूदने वाली है। अपनी रिवॉल्वर जमीन पर फेंक कर इंस्पेक्टर रजत पूरी शक्ति से पहाड़ी के उस किनारे की तरफ दौड़ा जहां अनामिका मोनिका को अपनी बाहों में जकड़े खड़ी थी। अनामिका मोनिका को लेकर छलांग लगाने ही वाली थी कि वक्त रहते रजत मोनिका के बेहद करीब पहुंचकर जोर से चिल्लाया, अपना हाथ आगे बढ़ाओ मोनिका। मोनिका ने ऐसा ही किया। मोनिका का हाथ अगले ही पल रजत के मजबूत हाथों में था। अनामिका ने पीछे गिरने के लिए झटका लिया, लेकिन वो मोनिका को अपने साथ लेकर नहीं कूद पाई, क्योंकि ठीक उसी एक पल में इंस्पेक्टर रजत ने एक जोर का झटका देकर मोनिका को अपनी तरफ खींच लिया था। उसने मोनिका को तो बचा लिया था, लेकिन अनामिका को नहीं बचा पाया था। अनामिका चिल्लाती हुई खाई में गिर गई थी। गिरते समय अनामिका ने कहा था, धोखेबाज, तू हर जन्म में मेरे विक्रम को मुझसे छीनती आई है। मैं मर कर भी वापस लौटूंगी मोनिका, मैं कभी चैन से तुझे जीने नहीं दूंगी। अनामिका के आखिरी शब्दों को दोहराते हुए मोनिका ने कहा, तभी से दीदी मुझे अपने कमरे में हमेशा दिखाई देती है, शायद तुमने भी देखा होगा। आयुष ने उसके आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी बहन अनामिका ने किसी लड़के की चाहत में आत्महत्या कर ली थी। इस पर मोनिका ने जवाब दिया, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ। ये राज इंस्पेक्टर रजत, मेरे और पापा के अलावा कोई नहीं जानता था। दी की मौत के बाद सदमे से मम्मी भी चल बसी थी, फिर पापा भी गुजर गए। इंस्पेक्टर रजत ने रिपोर्ट बनाई कि अनामिका ने पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। उसके बाद मैं नैनीताल के इस गांव में आ गई और यहाँ इंग्लिश पढ़ाने लगी। आयुष ने माथे पर सिल्वर डालकर पूछा, और उस इंस्पेक्टर रजत, उसका क्या हुआ? मोनिका ने कहा, यहाँ आने के बाद से मैं कभी अपने कस्बे में लौटकर वापस नहीं गई। मुझे रजत के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपने एक कॉमन फ्रेंड से सुना था कि इंस्पेक्टर रजत का वहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो गया था। उधर वाणी घर में अकेली उदास बैठी थी, तभी वहाँ उर्मिला आती है। वाणी उसके इरादे अच्छी तरह से समझ गई थी। वो उसके पति की हुई बदनामी के मजे लेने के लिए आई है, उसके जख्मों पर नमक रगड़ने आई है। उर्मिला आंखें घुमा घुमा कर मर्दों की बेवफाई के किस्से सुना रही थी और वाणी एक्सप्रेशन लेस होकर उसकी बातें सुन रही थी, एक तरह से उसे झेल रही थी। उर्मिला ने कहा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो जानती हूँ, ये सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं, जहाँ देखो मुंह मारते फिरते हैं। लेकिन गलती हमेशा मर्द की भी नहीं होती, औरत को भी तो चाहिए कि अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करे। अरे मर्द तो होता ही लंगोट का कच्चा है, औरत जात दिखी नहीं और उनकी लंगोट की गांठ खोली नहीं, सारा किया धरा उस मुई टीचर नी का ही है। बड़े बड़े गले पहनती है, मर्दों को देखते ही पल्लों गिरा देती है। अजीब बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने तो अपने वाले को। हाँ, उर्मिला की बकबक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अचानक वहाँ वही पागल आदमी आता है और उर्मिला का पल्लू पकड़कर खींचने लगता है और हंसते हुए कहता है, उर्मिला उर्मिला, मुझे भी वो वीडियो दिखाना जो तूने बनाया है। पागल ने उर्मिला की पोल खोल दी थी। उर्मिला पलट कर उसे थप्पड़ लगाती है और हकलाते हुए कहती है, हट हट पागल यहाँ से, कुछ भी बोलता है, लोगों के घर बर्बाद करवाने में तू और तेरी उस टीचरनी का कोई तोड़ नहीं है। पागल अचानक डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उर्मिला के अंतिम शब्द वाणी के जहन में अटक गए थे। वाणी कुछ सोचते हुए माथे में सिलवटे डालकर उर्मिला से कहती है, क्या कहा तुमने, पागल और टीचर, मतलब इनका कोई आपस में संबंध है क्या? उर्मिला पलटकर तपाक से कहती है, लो जी इतने दिन से यहाँ रह रही हो, तुम्हें नहीं पता, सारे गांव को पता है। अरे ये दोनों साथ ही तो आए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर, पता नहीं कहां से आए थे, किसी को कभी नहीं पता चला कि ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं। बस वो स्कूल में आकर पढ़ाने लगी और ये चुपचाप घर में रहता। फिर एक दिन उस टीचर ने इसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, तब से ये ऐसा ही पागल बना फिरता है, लेकिन ये पागल है नहीं। उर्मिला की बातें वाणी के सर से उतर रही थी।
लेकिन फिर भी उसने और जानने की कोशिश करते हुए कहा, अब मतलब तुम कहना चाहती हो कि मोनिका ने इसे पहाड़ी से धक्का दे दिया? और मिला आंखें घुमाकर कहती है, अब और मैंने क्या कहा, अरे स्कूल के एक टीचर से सेट हो गई थी, इसको पता चला, इसने मोनिका के साथ मारपीट की, तो इसे मोनिका पहाड़ी पर ले गई और धक्का दे दिया और बोला कि पैर फिसल गया। सब जानते हैं कि कौन फिसला है और कौन नीचे गिरा है। ये सुनते ही वाणी के दिमाग में बिजली सी कौंधने लगी थी। वाणी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उर्मिला से पूछा, तुम इस आदमी के बारे में मुझे कुछ और भी बता सकती हो क्या? इस पर उर्मिला ने इधर उधर देखा और धीरे से वाणी के बेहद करीब आकर उसके कान में बोली, एक राज की बात बताऊं इस पागल के बारे में, किसी को बताना मत, लेकिन नैनीताल से एक बार मेरी एक सहेली आई थी, उसने बताया था कि ये पागल कोई पागल नहीं है, ये अंडरकवर एजेंट है। वाणी बोली, हाँ अंडरकवर एजेंट? और मिला बोली, वही तो, इसका नाम रजत है, नैनीताल में इंस्पेक्टर था, यहाँ जो मौतें हो रही थी ना, उन्हीं के चक्कर में आया है, ये पागल नहीं है, पागल बनता है। ये सुनकर वाणी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अचानक उर्मिला बोली, ठीक है अब मैं चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो सोचेंगे कि मैं यहाँ तुम दोनों मियाँ बीवी में आग लगाने आई हूँ। इतना कहकर उर्मिला वहां से उठकर चली गई। वाणी का दिमाग भन्ना रहा था, पागल पूरे आंगन में इधर उधर टहल रहा था। वाणी दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही थी। न जाने अचानक वाणी के मन में क्या आया, उसने पागल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, रजत, इंस्पेक्टर रजत। ये नाम सुनते ही वो पागल अचानक पलटा और उसके मुंह से निकल पड़ा, हाँ बोलो वाणी। ठीक इसी पल में वाणी और पागल जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए थे। हंसते हंसते अचानक पागल के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर दृढ़ भाव उभर आए थे, जैसे कि उसे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। दूर खड़ी वाणी माथे पर सिलवटें डालकर बड़े आश्चर्य से पागल की तरफ देखती रह गई थी। उधर गांव के चौपाल पर सरपंच के सामने गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और मोनिका को गांव से जल्द निकालने के लिए सरपंच पर दबाव बना रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल चुपचाप मूक दर्शक की तरह वहां खड़ा हुआ ये सब होते देख रहा था। एक गांव वाला कहता है, अरे बहुत हो गया है, ये गांव है, कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है, इस मास्टरनी के साथ साथ इस नए मास्टर और उसकी पत्नी को भी यहां से निकालो, जब से ये तीनों गांव में आए हैं पूरे गांव को गंदा करके रख दिया है। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, और उस पागल का क्या, वो भी तो इस मास्टरनी के साथ ही आया था, उसे भी निकालो, हर घर में झांकते फिरता है। तीसरा गांव वाला कहता है, वो पागल कोई पागल नहीं है, सब जानते हैं कि वो कौन है, पुलिस वाला है, पुलिस वाला, पुलिस से कौन पंगा ले भाई। इस पर सरपंच हाथ उठाकर गांव वालों को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाइए, हम कुछ रास्ता निकालते हैं, ऐसे नई नई बातें मत कीजिए। स्कूल की छुट्टी के बाद मोनिका एक बार फिर आयुष को अपने घर ले गई थी। मोनिका ने अपना बैग सोफे पर रखा और आयुष से पलट कर बोली, थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी नहा कर आती हूँ, मैंने यूट्यूब पर देखा था कि गर्म पानी से नहाने पर बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और आपके सेक्स पार्टनर को आपकी बॉडी किसी सिलिकॉन डॉल की तरह महसूस होती है। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आयुष उसके कमरे में इधर उधर कुछ तलाशने लगता है। आयुष के मन में कुछ सवाल चल रहे थे, मोनिका इतनी जल्दी मेरे करीब आ गई और मैं समझ नहीं पाया, इसकी कहानी भी मुझे थोड़ी अटपटी सी लगती है, ये लड़की आखिर है कौन और अनामिका से इसका क्या संबंध है, प्रिंसिपल साहब तक इसके बारे में कुछ नहीं जानते, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही। इतने कम समय में ही आयुष ने मोनिका का पूरा घर छान मारा था, लेकिन उसे अनामिका की पेंटिंग्स और ड्रॉअर में पेंटिंग करने के सामान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया था। थक हार कर वो आईने के सामने खड़ा हो जाता है। अचानक उसे आईने पर कुछ धब्बे से लगे दिखाई देते हैं। वो माथे पर सिलवटे डालकर उन धब्बों की तरफ बढ़ता है। आयुष बेहद करीब जाकर उन धब्बों को देखते हुए मन में बोलता है, क्या ये खून के धब्बे? क्या आयुष भी मोनिका के साथ कोई खेल खेल रहा है? क्या आयुष अभी भी अनामिका के अंगों की तलाश में है? क्या उर्मिला की पागल के बारे में कहानी सच्ची है? मोनिका का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए